हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए खीर का रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम आपको एकदम घरेलू स्टाइल में खीर बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से ही रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़े से चावल लिए हैं और इसको धो के इसमें से पानी को अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखिए, ये है अमूल स्प्रे। आप चाहे तो इसके जगह दूध का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है तेज़पत्ता, ये छोटी इलायची, थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम एक बड़े से पतीले में 2 गिलास पानी लेंगे और इसको अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद चलिए अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, हमारा पानी अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें से 1/2 गिलास पानी को निकाल लेंगे। ये 1/2 गिलास पानी में हम अमूल स्प्रे को घोल के उसमें दूध बनाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची और तेज़पत्ता और ऊपर से डाल देंगे हमारा धोया हुआ चावल। अभी हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है छोटा सा कटोरी और अभी हम इसका ऊपर हमारा 1/2 गिलास गर्म पानी को डाल देंगे। इसका ऊपर अभी हम डालेंगे अमूल स्प्रे पाउडर। ये देखिए, अभी हम इसको एक चम्मच के मदद से अच्छी तरह से इसमें घोल लेंगे। अब जब भी अमूल स्प्रे पाउडर को घोले, उसको गर्म पानी में ही घोले, उसको ठंडा पानी में बिल्कुल भी ना घोले। ये देखिए, ये अब अच्छी तरह से घुल गया है। ये देखिए हमारा चावल कैसे उबल रहा है, ये लगभग हो चुका है। चलिए मैं इसको आपको एक चम्मच की मदद से शेक करा के दिखाता हूँ। मैं इसमें से थोड़े से चावल को निकाल के अपने हाथों से ऐसे चेक करा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुका है। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम बेसी कर सकते हैं। अभी हम चीनी को भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह। और इसको चम्मच से बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। अब हमारा चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुल गया है। चलिए अब हम इसमें हमारा गोला हुआ दूध को फिर एक बार चम्मच से मिला के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें सारा दूध को डाल देना है और इसको फिर एक बार चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह इसको अच्छी तरह से ऐसे मिलाने के बाद अभी हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से हो जाए। चलिए अब हमारा काजू और किशमिश को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे काजू और किशमिश को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी का उपयोग किया है। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारा काजू और किशमिश दोनों को डाल के हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके डालने से इसमें अलग ही टेस्ट आता है। अब ये फ्राई हो गया है। चलिए अब हम इसको धीरे धीरे करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। 5 मिनट हो गया है। चलिए अब हम इसमें हमारा फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश को भी डाल देंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें मिला लेना है। हमारा खीर तो बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी हम खीर में एक अच्छा सा कलर लाने के लिए आपको एक ट्रिक्स बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा गाय का घी और गाय का घी गर्म होने के बाद इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीनी और चीनी को लाल होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये कैसे लाल होकर फ्राई हो गया है। चलिए अब हम सारे मिक्सचर को खीर के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें डाल लेना है। अभी हम एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा खीर में कैसे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आप चाहें तो खीर में मिल्कमेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यूज नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर अब पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा किशमिश
और इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा काजू। ये देखिए दोस्तों, हमारा खीर अब बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर ये मेरा खीर का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।